बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। नाज़रीन आप कैसे हैं? अल्लाह सबको ठीक रखे, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा होता है। किचन में आज मैं एक झटपट सी, इजी सी और बड़ी जल्दी पकने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। हम आज बना रहे हैं आलू चिकन टिक्का मसाला, ठीक है। उसके लिए 2 kg मेरे पास चिकन है, उसको मैंने धो के अच्छे से, तो 2 tablespoons मैंने टिक्का मसाला का लगा दिया है। इसको लगाए हुए 1 hour हो गया है। 1 kg मेरे पास पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से फ्रेंच फ्राइज शेप में काट लिया है। 3 से 4 बड़े वाले प्याज हैं, इनको मैंने फाइन बारीक सा काट लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसमें 2-3 मैंने काली मिर्चें जो है ना गोल वाली वो मैंने पीस दी है। टमाटर हैं 2 अदद, 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च है और 4 दरमियान में कट लगी हुई मिर्च है। नमक है, मिर्च है, हल्दी है। कढ़ाई मैंने ऑलरेडी चूल्हे पर रख दी है। 1 बड़ा कप मैंने इसमें ऑयल का डाला है। सबसे पहले हम करेंगे फ्राई आलू। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें डालते हैं आलू। सारे आलू मैं एकदम डाल रही हूँ और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आलू एक साइड से फ्राई हो जाए तब आपने चम्मच लगाना है, अदरवाइज आपने चम्मच नहीं लगाना। चम्मच पहले लगाएंगे तो आलू सारे हो जाएंगे मैश। आलू गए सारे इसके अंदर, अब थोड़े से ये पकते हैं इस साइड से तो फिर मैं चम्मच से लगा के आपको दिखाती हूँ। चलें जी देखते हैं हमारे आलूओं की क्या कंडीशन है। आलू हमारे एक साइड से गए हैं गल। इनको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, अब मैं इनको निकाल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने गोश्त के अंदर भी इनको कुक करना है। ये हाफ कुक हो गए हैं, अब इनको मैं निकाल रही हूँ। देखें जी आलू को मैंने डिश आउट कर लिया, आप देख रहे हैं कि आलू कोई भी नहीं टूटा। अब उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ प्याज। सारे प्याज मैंने डाल दिए हैं, अब इसको लगाऊंगी चम्मच। दूध हो गया जी, इनको मैं कर लूंगी लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर मैं नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करती हूँ। ये रेसिपी बड़ी मज़े की है, ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं से नहीं देखी, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। मैं भी कोई और भी बनाता हो लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है। सम टाइम बड़ा दिल उतार जाता है सेम सेम डिशें खाने को, तो फिर मैं ये महीने में एक बार बना लेती हूँ तो थोड़ा सा टेस्ट भी हमारा चेंज हो जाता है। इस सब्जी को स्पेशली पराठों के साथ सर्व करें, पराठों के साथ बड़ा मज़ा आता है, या फिर तंदूर की रोटी के साथ बड़ा मज़ा आता है, तंदूर के नान के साथ बड़ा मज़ा आता है। चाहे तो हैंडमेड रोटी के साथ भी आप सर्व करें, यह आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं साथ बनाऊंगी इसके पराठे। प्याज ब्राउन होता है तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये देखें जी प्याज हमारे डिज़ायरेबल जो है ना ब्राउन हो चुके हैं,
आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर ये हम कर रहे हैं साइड पे। अब इसके अंदर जो मैंने 2 kg के चिकन को मैंने 1 टेबल स्पून मैंने कम खाना लगाया था वो डाल देंगे, और मिर्चें मैं डालूंगी कम क्योंकि टिक्का मसाला में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिर्चें होती है, तो हम खाते हैं मिर्चें ज़रा कम, इसमें ज़रा हरी मिर्चें भी ज़्यादा चाहेंगी, इसलिए ना रेड जो मिर्च है ना वो मैं कम डालूंगी इसमें। अब इसके अंदर मसाला जात में डाल दूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाएगा इसके अंदर। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके अंदर मैंने ना 2-3 काली मिर्च साबुत वाली पीस ली थी, हल्दी पाउडर जो रेड मिर्च आप देख रहे हैं मैंने माइनर की डाली है, और नमक, इसको हम अच्छे से लेंगे हलाया। आँच मैंने कर दिया स्लो, इसको अच्छे से भूनते हैं कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल गल जाए, पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, और जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इसको हम अब पकने देते हैं। आप देख रहे हैं चिकन हमारा भुना जा रहा है, चिकन ने अपना पानी छोड़ा है। अब इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करूंगी। टमाटर थोड़े से मेल्ट होते हैं उतनी देर में हमारा चिकन भी गल जाता है और मसाला भी हमारा रेडी हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ऑयल हमारा या आपको अगर नज़र आ रहा है तो सारा ऊपर आ गया, आप देखें ये ऑयल सारा ये ऑयल है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। अब हम चम्मच को करते हैं साइड पे, और जो मैंने फ्राई किए हुए थे ना पोटैटोस अब वो उसके अंदर जाएंगे। इसको हल्का सा मैं हिला के, ज़्यादा नहीं मैंने चम्मच लगाना क्योंकि आलू हमारे जो है ना टूटे नहीं, आलू को मैंने हाफ फ्राई किया था, फुल फ्राई नहीं किए थे। ये अब हो गया, अब हम मैं इसको लगा दूंगी दम, गिन के 3 मिनट दम लगाऊंगी, आलू हमारे हो जाएंगे तो फिर उतार के मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा आप डालते हैं धनिया और थोड़ा सा गरम पाउडर, सॉरी गरम मसाला। देखिए जी गरम मसाला गया इसके अंदर, अब इसको एक दफ़ा मैं हिला के हल्का सा तो फिर दम लगा देती हूँ। जी यहाँ पे देखें चिकन आलू टिक्का बन के बिल्कुल रेडी है, आलू भी हमारे गल चुके हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें टूट गया ना, इसका मतलब है कि हमारी जो रेसिपी है ना वो तैयार है। अब आपको अच्छे से मैं प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ, सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रेसिपी को एज़ इट फॉलो कीजिएगा, फिर आप टेस्ट लीजिएगा। रेसिपी मेरी अपनी है, मैंने कहीं से नहीं देखी। चलें मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी नाजरीन देखें चिकन आलू टिक्का बिल्कुल बन के रेडी है, आपके सामने है, बड़ा खूबसूरत सा कलर आया है। टेस्ट किया माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में खुशबू फैली हुई है। आप भी इस रेसिपी को एज इट ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, फॉलो अप कीजिएगा, और वो सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद मशहूर हूँ,
और वो जो न्यू कमर हैं उनका भी, उनको भी मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो मेरी रेसिपी कर लीजिए फटाफट से फॉलो और बना के टेस्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रही। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो कांडी आप ज़रूर बना के देखिएगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मान अल्लाह।